इसराइल को डराने वाली बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिका से ये बात पक्की हो चुकी है कि हमास के आगे इसराइल फेल हो गया है और अगर उसे गाजा में हमास को खत्म करना है तो अगले 3 साल तक उसे इसी तरह बमबारी करनी पड़ेगी और इस बात ने नेतन्याहू को बुरी तरह फंसा दिया है। देखिए रिपोर्ट। हमास पर आई एक रिपोर्ट ने इसराइल को डरा दिया है। हमास की ताकत कितनी बची है, इस रिपोर्ट ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। अमेरिका के पॉलिटिको अखबार ने हमास को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी पर बताया गया है कि 8 महीने के युद्ध में इसराइल अब तक हमास के सिर्फ 30% लड़ाके ही मार पाया है। यानी रिपोर्ट में पहली बड़ी खबर ये है कि 70% हमास अभी भी बाकी है। 70% मतलब 2/3 हमास अब भी इसराइल से टक्कर ले रहा है। रिपोर्ट में दूसरी बड़ी खबर ये है कि इसराइल ने गाजा में हमास की सिर्फ 35% सुरंगों को तबाह किया है। यानी गाजा में हमास की 65% सुरंग अभी भी एक्टिव है। यानी 2/3 सुरंगों का इसराइल अब तक पता नहीं लगा पाया है। इस खबर से इसराइल में ऐसा पॉलिटिकल तहलका मचा है कि सब बेन्यामिन नेतन्याहू से पूछ रहे हैं कि क्या इसराइल हमास के खिलाफ युद्ध हार रहा है। नेतन्याहू बहुत बेचैन है, नेतन्याहू बहुत टेंशन में है क्योंकि रिपोर्ट के साथ अब हमास के नए नए खतरनाक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में इसराइल की ताकतवर सेना की पोल खुलती नजर आ रही है। ये गाजा के रफा का इलाका है। अचानक एक गड्ढे से हमास के लड़ाके बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में टैंक उड़ाने वाली माइन है। ऊपर इसराइल के टैंक खड़े हैं और ये है हमास की एक एंटी टैंक माइन जो चुंबक के जरिए टैंक से चिपक जाती है। एक एंटी टैंक माइन और पड़ी है। अब इनका टारगेट है सामने खड़े इसराइल के मरकावा टैंक। हमास के 2 लड़ाके ये एंटी टैंक माइन उठाकर इसराइली टैंक के करीब ले जाते हैं। पहली माइन मरकावा के पिछले हिस्से की तरफ फिट करने के दौरान एक इसराइली सैनिक भी दिखाई देता है जो पूरी तरह बेखबर है। माइन को दोनों टैंक के पिछले दरवाजे के सामने रख कर हमास के 2 लड़ाके वापस भाग जाते हैं। वापस सुरंग में उतरते वक्त एक और लड़ाका इसराइल के टैंक को आरपीजी से टारगेट बनाता है। बड़े धमाके होते हैं और फिर इसराइल के हेलीकॉप्टर मंडराने लगते हैं। गाजा की हर इमारत तबाह कर दी गई। गाजा के इंच इंच पर बम गिराए गए हैं और लगातार गिराए जा रहे हैं।35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में लोग रोज लाशों को उठा रहे हैं। खंडहर बन चुके गाजा में हैरान करने वाली बात ये है कि लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद हमास बाकी है। ये अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और पश्चिमी मीडिया की। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।